वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ मास्टरिंग कमोडिटीज। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग कमोडिटी ट्रेडिंग, एंड आज हम कमोडिटी डिलीवरीज के बारे में और डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वेलकम किशोर सर टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ मास्टरिंग कमोडिटीज। तो सर, मेरा सवाल ये है कि कमोडिटी डिलीवरीज होते ही क्या है? कमोडिटीज में डिलीवरी का मतलब है एक्चुअल डिलीवरी है। आपको जो कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, आप शुरुआत में आप डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव का एक एक्सपायरी होता है, मतलब आपको एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं तो महीने के अंत में जो है उस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली डिलीवरी में सेटल होता है। तो आप अगर गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बचे हुए इन्वेस्टर्स हैं उनको गोल्ड एक्चुअली फिजिकल गोल्ड डिलीवरी मिल जाएंगे, आपको पूरे के पूरा पैसा देना पड़ेगा। जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं आप सिर्फ 10% 12% का मार्जिन रख के ट्रेड करते हैं, जब भी आप डिलीवरी के लिए आ जाता है आपको 100% का जो उसका जो पूरा वैल्यू है वो आपको दे के पूरा डिलीवरी लेना पड़ता है। सो गोल्ड सिल्वर में फिर भी ठीक है, बट अगर आपको एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है लाइक गेहूँ हो गया, शुगर हो गया, ये भी डिलीवरेबल हो जाता है और ये सारे भी डिलीवरी आ जाता है। तो एक एक ट्रक आपको गेहूँ, चना, दाल जो भी है वो डिलीवरी मिल जाता है। बट सर, मुझे तो फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए, तो फिर क्या कर सकते, तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, फिजिकल डिलीवरी सब काफ़ी लोगों को, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको किसी को भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट्स होते हैं कि जहाँ पे शुगर मिल हो गया, जहाँ पे जूस फैक्ट्री हो गया, इन लोगों को शुगर का डिलीवरी चाहिए होता है, बाकी किसी को नहीं चाहिए होता है। सो हालांकि एक्सचेंज पे अगर देखेंगे तो सिर्फ 1% के आसपास डिलीवरी में कन्वर्ट होता है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको 1% से भी कम डिलीवरी में कन्वर्ट होता है, 99% डिलीवरी नहीं होता है। बट इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी एक्सपायरी डे आता है, एक्सपायरी डे का एक्सपायरी से पहले आपको पोजिशन जो भी है वो स्क्वायर ऑफ करके क्लोज करके जाना चाहिए। मैन्युअली क्लोज करना है या आपके ब्रोकर को बोल सकते हैं क्लोज करने की, या खुद आप मोबाइल ऐप के थ्रू आप क्लोज कर सकते हैं। पोजीशन एक्सपायरी से पहले क्लोज करना है, जब क्लोज करेंगे आपको डिलीवरी नहीं आएगा। सर, मैंने ये भी सुना है कि कमोडिटी मार्केट इज फॉर स्पेकुलेशन, तो कैन आई बी एन इन्वेस्टर इन इट? सर्टनली यू कैन बी एन इन्वेस्टर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दो तीन तरीके हैं। वन इज दैट कि आप स्प्रेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे एक एक्सपायरी आपने लिया हुआ है, दूसरा एक्सपायरी बेचा हुआ है सेम कमोडिटीज़ में। दूसरा है कि ये एक्सपायरी में आपने डिलीवरी ले लिया, डिलीवरी ले भी सकते हैं, वो भी डीमैट में आता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब आपको हालांकि घर पे डिलीवरी नहीं आएगा, आपको यहाँ पे भी डीमैट में डिलीवरी आता है। आप डीमैट में रखा हुआ है, अगले महीना या दो महीने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट बेच के इस दोनों के बीच में जो स्प्रेड है, गैप है, वो आप रिटर्न्स के रूप में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जैसा आपको रिटर्न्स भी मिलता है, जहाँ पे इसको बोलते हैं कैश कैरी आर्बिट्राज। तो कई ऐसा उपाय है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अवॉइडिंग दैट की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। तो आज सर, हेल्प अस अंडरस्टैंड कमोडिटी डिलीवरीज एंड द रिस्क एसोसिएट टू इट। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू कमोडिटीज। सो टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स सर्च मोतीलाल ओसवाल। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।